जीवन में अगर कोई भी समस्या आ रही है ना, तो उससे घबराना मत, क्योंकि पानी जब पहाड़ को चीर कर निकलता है ना, तो वो ये नहीं सोचता, ये नहीं पूछता कि अभी समुद्र कितनी दूरी पर है, बस चलता चला जाता है। बस उसी तरह तुम्हें भी चलते चला जाना है, जब तक तुम्हारी मंजिल तुम्हें न मिल जाए। अगर दिल लगाना है तो किताबों से लगाइए, क्योंकि अगर ये बेवफा भी निकली ना, तो तुम्हारा मुकद्दर, तुम्हारा नसीब, तुम्हारी जिंदगी बदल ही देंगी। शिक्षक और सड़क एक जैसे होते हैं, खुद तो जहाँ हैं वहीं पर रहते हैं, लेकिन दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुँचा ही देते हैं। जहाँ तक वो जाना चाहते हैं वहाँ तक उन्हें पहुँचा ही देते हैं। वो अपनी परवाह नहीं करते, वो उन लोगों की परवाह करते हैं जो उनकी राय पर, जो उन पर चलते हैं, उनको वहाँ तक पहुँचाते हैं जहाँ तक वो जाना चाहते हैं। जीवन में खुद से बाधा, लेकिन मेहनत उससे भी ज़्यादा, दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक अपने आप से प्रॉमिस करना और दूसरी चीज़ के हार्डवर्क करना। हार्डवर्क करना बहुत ज़रूरी है और खुद से वादा करना वो उससे भी ज़रूरी है। अगर आप पहल करोगे तो दुनिया पहल करेगी। जिस वक्त आप पहल करना बंद कर दोगे, दुनिया उसी वक्त आपको भूल जाएगी। आप कहाँ रहते हो, आप क्या करते हो, लोगों को इस बात की परवाह है ही नहीं आप क्या करते हो। तो आप जब तक फील्ड में रहोगे तब तक जीतते ही रहोगे। एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे हुए फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप फैसला तो लीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए आपकी। कस्टमर की फीलिंग को ठीक करना होगा। अगर फीलिंग ठीक हो गई तो डीलिंग अपने आप ठीक हो जाएगी, क्योंकि किसी को भी आप कन्वेंस करके कनेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन कनेक्ट करके कन्वेंस जरूर कर सकते हो। पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको कोई समस्या ना हो, और इस पृथ्वी पर ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान ना हो। समस्या के बारे में सोचने से सिर्फ बहाने मिलते हैं, और समाधान को ढूंढने पर आपको समाधान मिलते ही मिलते हैं। लेकिन आप अगर बहाने को ढूंढोगे तो बहाने और बन जाएंगे, और मिलेंगे, हजारों मिल जाएंगे, लाखों मिल जाएंगे। लेकिन समस्या के बारे में अगर सोचोगे तो आपको समस्या का हल जरूर मिलेगा, क्योंकि जो आप कर्म करोगे उसका फल मिलता ही मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता ही मिलता है। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत करना पड़ता है। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। अगर आप खुद लड़ने के लिए तैयार नहीं हो तो कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा होगा कुछ भी करने के लिए। जीवन में अच्छे के साथ अच्छा बने, लेकिन बुरे के साथ बुरा ना बने, क्योंकि हीरे से हीरे को तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। इसलिए कोई तुम्हारा बुरा कर्म करे, बुरा करे, ये उसका कर्म है। आप किसी का बुरा ना करो, ये आपका धर्म है। आराम से काम करोगे तो हो सकता है कुछ समय के लिए आपको आराम मिल जाए, लेकिन आप अपने गोल के साथ, अपनी एनर्जी के साथ, अपने माइंड पावर के पास, अपने लर्निंग के साथ अगर काम करोगे जल्द से जल्द, तो जिंदगी भर के लिए आराम मिल सकता है। किसी इंसान को अगर अपने आप से जोड़ना है ना, तो आपको इंटरेस्टिंग नहीं, आपको इंटरेस्टेड बनना है, दूसरे इंसान का इंटरेस्ट देखना है, क्योंकि हर एक इंसान का कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है। किसी का कुकिंग होता है, किसी का डांसिंग होता है, किसी का म्यूजिक होता है, किसी का मोटिवेशन, हर एक इंसान का कोई ना कोई इंटरेस्ट जरूर होता है। तो आपको उसके इंटरेस्ट को देखना है कि उसका इंटरेस्ट क्या है। जब आपको पता चल जाए कि इस इंसान का इंटरेस्ट ये है, तो फिर आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप अपने जीवन में अपने गोल को अचीव करते हो, करना चाहते हो, या अपने गोल के प्रति फोकस कर रहे हो, तो आपको तीन चीजें देखना बहुत जरूरी है। पहली, आपकी गोल की दूरी कितनी है। दूसरी चीज, आपकी उसके प्रति चाल कितनी है। और फिर उसको अचीव करने में तीसरी चीज है कि उसमें समय कितना लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है। इन तीनों चीज को आपको देखना होगा। वक्त के रहते बदल जाइए, वरना वक्त तुम्हें वक्त से बदल ही देगा। आप वक्त के हिसाब से बदलना चाहते हो या अपने हिसाब से वक्त को बदलना चाहते हो, ये डिसाइड आपको करना है। झूठ बोलना पहली बार में आसान हो सकता है, लेकिन ये बाद में तकलीफ देगा ही देगा। लेकिन सच हो सकता है पहली बार में आपको अच्छा ना लगे, बोलना अच्छा ना लगे, लेकिन ये बाद में बहुत सुकून देता है। लोग कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मैं कहता हूँ कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, सिर्फ सीखना पड़ता है। जिस दिन आप सीख जाओगे उस दिन आप जीत जाओगे।
क्या वो अनाथ होते हैं जो देश के लिए शहीद होते हैं? बात जब देश की आती है तो याद उन जवानों की आती है जो बॉर्डर पर हमेशा तैनात रहते हैं हमारी सुरक्षा के लिए। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कुछ देश के लिए करें, देशभक्ति को जगाएं? जीवन में शब्द बोलना और उसको इम्प्लीमेंट करना, अगर आपने हजारों शब्द बोले तो लाखों शब्द और बन जाएंगे। इसलिए हमेशा एक शब्द पर टिक कर काम करो तो आप वहाँ जा सकते हो जहाँ आप जाना चाहते हो। तुम्हारे जीवन में दो व्यक्ति हैं, एक विजय एक पराजय। किसको ज़्यादा महत्व देते हो, किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो? अगर विजय को आप इम्पोर्टेंस देते हो तो आप जल्द से जल्द विजय प्राप्त करोगे, लेकिन अगर आप पराजय को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो तो आप फेल जल्द से जल्द हो जाओगे। अपने जीवन में गोल सेट करने से पहले आपको तीन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है, व्हाट व्हाई हाउ, क्या क्यों कैसे। ये अगर आपके क्लियर हैं तो आप गोल बनाइए और उसमें आप विजय प्राप्त कर सकते हो।